हम पूजा करते हैं और हमारी पूजा की जितनी भी परंपराएं हैं वो मस्तिष्क को शांत करने वाली, हमारे स्वास्थ्य को बनाने वाली, ईश्वर को प्रसन्न करने वाली, वातावरण को शुद्ध करने वाली प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने बनाई थी। अभी जब नवरात्रे आए तो नवरात्रों में एक खबर बहुत वायरल हुई कि बाजार में जो उपलब्ध कपूर है वो 90% नकली है। जब फूड एंड ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर से बात की जाए तो उन्होंने कहा कि ये जो कपूर है ना तो ये खाने की चीज है ना ये दवाइयों की चीज है, तो ये ना तो खाने वाली चीज में FSSAI के अंतर्गत आती, फूड के इसके कोई नियम बने हुए हैं और ना इसके दवाओं के कोई नियम बने हुए हैं। अभी आप सब देखते होंगे घर में जब हम यज्ञ करते हैं तो कपूर जलाते हैं, जब हम पूजा करते हैं तो आरती करते हुए तो कपूर जलाते हैं, उसकी आरती की जाती है, उस आरती को लिया जाता है, घर में वातावरण को शुद्ध करने के लिए कपूर जलाया जाता है कि क्योंकि हमारे चरक संहिता से लेकर हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले कपूर के हजारों गुण बनाए बताए हैं। अकेले चरक संहिता में कपूर के 100 से ज्यादा गुण है। ये वात नाशक है, कफ नाशक है, त्रिदोष का शमन करता है, इसको खाने पीने में भी प्रयोग किया जाता है। तो हमारे पूर्वजों ने कपूर के गुणों को देखकर, इसके औषधीय गुणों को देखकर यह कहा कि इसको जलाया जाए तो इससे जो धुआं निकलेगा, इससे जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल जो इसके गुण निकलेंगे उससे वातावरण शुद्ध होगा और हमारा घर पवित्र बन जाएगा। यज्ञ भी इसी परंपरा के साथ किया जाता है। चरक संहिता में चरक ने 100 से ज्यादा प्रयोग कपूर के बताए हैं। आज भी यदि शुद्ध कपूर की हम बात करें तो शुद्ध कपूर को केवल बांध लिया जाए तो बहुत सी बीमारियों से बचाव होता है। शुद्ध कपूर कहीं रख दिया जाए तो कीड़े मकोड़े नहीं आते, मच्छर नहीं आते, ये शुद्ध कपूर के प्रयोग हैं। और कपूर केवल खाने में नहीं, खुशबू से असर करता है, स्किन से हम टच करते हैं तो उससे भी असर करता है। लेकिन आज बाजार में 90% कपूर नकली है और इस नकली कपूर के कारण जो कपूर हम प्रयोग करते हैं, पूजा की थाली में कपूर जलाते हैं। आपने हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर ने यहूदियों का नाश किया था, बाद में इसराइल बना, तो इसराइल के जो ज्यूस हैं, जो यहूदी हैं, उनको हिटलर क्या करता था, उनको हजारों की संख्या में ठूंसता था, बंद चैम्बर में बंद कर दिया था, कर देता था और जहरीली गैस छोड़ता था। आज प्रदूषण से पूरी दिल्ली परेशान है। तो हम घर में यदि कपूर जलाते हैं तो घर के सारे वातावरण को हमने शुद्ध कर दिया, यदि असली कपूर है। लेकिन आज जो बाजार में कपूर जलता है उस कपूर में हम बात करें तो एक हानिकारक केमिकल होता है हेक्जामीन, जिसको हेक्जामिथाइनिल भी बोलते हैं। ये पूरी तरह से ऐसा केमिकल है जिसके बारे में यहां तक कहा जाता है कि यह गंभीर सांस के रोग पैदा करते हैं। इसके हवा में, इसको छूने में, ये जो अमेरिका वगैरह में जो फूड एंड मेटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है उसमें इसके सारे गुण बताए जाते हैं कि ये जो हेक्जामीन है, ये हेक्जामीन देखने में कपूर जैसा होता है, सफेद होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है, इसका कोई अपना सा रंग नहीं होता, गंध कपूर जैसी होती है, गंध मिला दी जाती है। तो इसको जब रखते हैं तो रखते हुए भी इसको एयर टाइट कंटेनर में रखने के लिए जो मेटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है वो कहती है कि इसके वर्कर जब इसको हैंडल करें तो दस्ताने पहनकर इसको हैंडल करें और गलती से सांस में इसकी फ्यूम बिना जलाए भी चली जाए तो उसके भी ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है। इसको यदि खुला छोड़ दिया जाए, खुले इसकी हवा में सांस ली जाए तो सबसे पहले स्किन में इरिटेशन होती है, आंखों में जलन होती है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है और यदि लगातार इसमें रहा जाए तो दमा बनता है, अस्थमा बनता है और आगे जाकर वो फेफड़ों का कैंसर भी बन सकता है। तो अभी हम जो पूजा का कपूर जला रहे हैं उस पूजा के कपूर में 90% कपूर नकली है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि नकली क्यों है, तो ये जो असली कपूर है ये कहां से आता है। असली कपूर की हम बात करें तो भारत में हजारों सालों से बन रहा है, तो इसका मतलब कारखाने में तो नहीं बनता था। महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, हमारे ऋषियों ने इसके बनाने की पूरी परंपरा लिखी है और वो परंपरा क्या कहती थी, सीनामोमम कैम्फोरा, इसको अंग्रेजी में कैम्फूर बोलते हैं, संस्कृत में बात करते हैं तो कर्पूर बोलते हैं, हिंदी में कपूर बोलते हैं। तो ये इसके जो पत्ते हैं, जड़ है, छाल है, इसको जब डिस्टिल करते हैं तो डिस्टिल करने के बाद फिर कपूर प्राप्त होता है। तो ये पुराना प्रोसेस है, इससे असली कपूर बनता है। अब ये जो असली कपूर हम बनाते हैं, ये असली कपूर का जो पौधा है चीन में पाया जाता है, ताइवान में पाया जाता है, जापान में पाया जाता है, बर्मा में पाया जाता है, एक और नाम आपने सुना होगा सुमात्रा का, उस सुमात्रा में पाया जाता है, मतलब एशिया में ये कपूर पुराने हजारों सालों से कपूर का पौधा पाया जाता है और हमारे पूर्वजों को पता है कि कपूर को कैसे बनाया जाए, इसके औषधि के कौन कौन से गुण हैं और कपूर को दवाओं की श्रेणी में आयुर्वेद ने रखा है। तो इसके पत्तों को डिस्टिल करके जब इसको बनाया जाता है तो ये पड़ता है लगभग 1000 रुपए किलो से स्टार्ट होता है, 800 से 1000 रुपए किलो। अच्छा यदि हम कपूर लें
तो कपूर के पौधों से प्रोसेस बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें 1000 से लेकर 1500, 1800, 2000 रुपए किलो तक कपूर बनता है। ज्यादातर जो कंपनियां हैं वो अपने फायदे के लिए 100 से 150 रुपए किलो का मटेरियल लेकर उसको कपूर की तरह टिक्की की शेप में बनाकर उसको कपूर लिखकर उसको पैकिंग करके बेचते हैं। और भारत में ऐसे कोई कड़े का मापदंड नहीं है, क्योंकि ना तो ये खाने में आता, ना कॉस्मेटिक में आता, ना ये दवाओं में आता। तो इस कपूर के अलग अलग ब्रांडों की टेस्टिंग कैसे करें? तो हम जब घर में कपूर जलाते हैं, हमने यज्ञ करते हुए यज्ञ में जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो उस अग्नि प्रज्वलित करते हुए यज्ञ कुंड में जितनी देर हम डालते हैं, उतनी देर में यदि हमने कपूर की एक टिक्की डलाई तो हमारे घर के पूरे वातावरण को उसने जहरीला कर दिया, विषाक्त कर दिया। जैसे गैस चैम्बर में कोई जहरीली गैस छोड़ते हैं वैसा वातावरण बन जाता है। जो यज्ञ का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल पाता। पूज्य स्वामी जी महाराज को जब पता लगा कि कपूर बाजार में नकली है और असली कपूर उपलब्ध नहीं है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो भरोसा करके दावे के साथ कह सके कि हमारा 100% असली कपूर है। और कई बार दवाओं में पूज्य स्वामी जी महाराज खुद बताते हैं किसी को डैंड्रफ है, पुराना डैंड्रफ है, भयंकर डैंड्रफ है, ऐसा फंगस का इन्फेक्शन है कि जो दूर नहीं हो पा रहा, कैटाकिनाजोल के यदि शैंपू का भी प्रयोग कर ले तो वो भी उसको उखाड़ नहीं पा रहा। तो उसके लिए पूज्य स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि गोले के तेल में शुद्ध कपूर को मिला लीजिए, वो घुल जाएगा, और घुलने के बाद उसको जड़ों में लगा लीजिए। जड़ों में लगाने के बाद 3-4 घंटे के बाद उसको धो लीजिए। कुछ दिन ये प्रयोग करने से भयंकर डैंड्रफ इससे दूर हो जाता है। कपूर को दक्षिण भारत में खाने में भी प्रयोग किया जाता है। पेट दर्द होता है तो पेट दर्द में कपूर को अजवाइन के साथ मिलाकर लेने में पेट दर्द दूर होता है। फटी एडियों के लिए, मुंह की दुर्गंध के लिए, दांत के दर्द के लिए, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो इन सब के लिए कपूर का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में तो कपूर को खाने में भी प्रयोग किया जाता है। बहुत से ऐसे हमारे उपचार की प्रक्रिया है जिसमें कपूर को पोटली में बांधकर बच्चे के साथ बांधा जाता है, ताकि बच्चे को के अंदर ये एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल के गुण, इसके अंदर चारों प्रकार के गुण कपूर के अंदर होते हैं। तो जो नकली कपूर है वो 100 से 150 रुपए किलो होता है, और जो असली कपूर है वो 1000 से लेकर 1500 रुपए किलो तक, 1800 रुपए किलो तक होता है। तो ये जो नकली कपूर है इसकी पहचान कैसे करें? आपने नकली कपूर जलाया तो मैं नकली कपूर आपके सामने, असली और नकली कपूर, एक तो पहचान इसकी ये होती है कि इसको हम पानी में डालें। जब हम इसको पानी में डालते हैं, मैंने बाजार में जितने ब्रांड उपलब्ध हैं उन ब्रांडों को ले लिया है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं 3 ब्रांड की। तो इनकी पहले टेस्टिंग होती है कि पानी में डालने की। जब हम कपूर को पानी में डालते हैं तो जो शुद्ध कपूर है, ये देखते हैं, ये पतंजलि का कपूर है, ये एक लोकल ब्रांड का कपूर है, ये जैसे ही हमने डाला इसे साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शुद्ध कपूर है वो तैरता रहा, पतंजलि वाला कपूर, और जो दूसरा कपूर है वो डूब गया। ये मैं देखिए छोटा टुकड़ा एक डालता हूं दूसरे ब्रांड का, ये छोटा टुकड़ा भी मैंने डाला तो ये छोटा टुकड़ा भी डूब गया है, ये और छोटा टुकड़ा मैंने डाला तो ये और छोटा टुकड़ा भी डूब गया है। आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, तो ये तीनों टुकड़े डूब गए हैं। ये जो पतंजलि का कपूर है, ये पतंजलि का कपूर जब हम पानी में डालते हैं तो ये, मैं जोर से भी डालने की कोशिश करता हूं डुबाने की, तो ये ऊपर आ जाता है। तो ये एक शुद्धता की पहचान ये है कि पानी में डूबता है या नहीं डूबता। ये देखिए डूब चुका है। अब इसके पानी वाले टेस्ट को हम एक साइड में रख देते हैं, कपूर का दूसरा टेस्ट करते हैं। दूसरा टेस्ट कौन सा है? जो शुद्ध कपूर है वो पूरी तरह से जल जाता है, और जलने के बाद वो कुछ भी शेष नहीं छोड़ता। जैसे लकड़ी को जलाते हैं तो राख बच जाती है, कोयला बचता है, कपूर के अंदर एक गुण है कि वातावरण के अंदर पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाता है। यदि आप कपूर को धूप में रख देंगे तो पूरा कपूर उड़ जाएगा, क्योंकि ये इसका गुण है, ये हवा के अंदर गायब हो जाएगा, घुल जाएगा। तो अब हम ये 3 ब्रांड का कपूर हम जलाते हैं। ये मैं एक ब्रांड का कपूर मैंने इसके ऊपर रखा, इसका मैं रैपर इसके सामने रख देता हूं। ये मैंने दूसरे एक ब्रांड का कपूर रखा। ये मैंने दरवाजा खोल लिया है, क्योंकि जो मेटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है, ये मैंने पतंजलि का कपूर रखा। दो दो ये मैंने कपूर रखा हुआ है, ये सामने इसका मैंने इसकी इसका एक पैक रख दिया, और ये पतंजलि वाले ब्रांड का कपूर हमने सामने रख दिया। अब इसकी टेस्टिंग हम करते हैं।
क्योंकि अब इसमें सामान्य ब्रांड भी हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, तो ये मैंने दरवाजे खोल दिए हैं, लेकिन दरवाजे खोलने के बाद भी जो हम इसको चलाते हैं तो जल ही नहीं पा रहा अच्छे से। ये तीन कपूर हमने रखा है, ये तीन कपूर देख लीजिए आप, ये जल रहा है। ये जो मेटेरियल सेफ्टी डाटा सीट है, तब तक हम कपूर की कुछ और बात कर लेते हैं। कपूर मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, एक भीमसेनी कपूर, एक जापानी कपूर, एक कृत्रिम कपूर और एक सिंथेटिक कपूर जो बाजार में अभी मिल रहा है। ये सिंथेटिक कपूर मिल रहा है, जैसे एक तो जो सिनामोमम कैम्फोरा जो कपूर का पेड़ है उससे लिया, एक तारपीन के तेल से भी प्रोसेस करके कपूर बना दिया जाता है, और तीसरा बिल्कुल पूरी तरह से सिंथेटिक होता है। आजकल भीमसेनी कपूर मिलता नहीं है, भीमसेनी एक मैं यूं कहूं कि जैसे जैसे कपूर है वैसे ही भीमसेनी कोई एक ब्रांड नहीं है, ये कपूर की एक प्रॉपर्टी है, एक कपूर का नाम है, तो वो मिलता नहीं है। आजकल जापानी कपूर मिलता है, जापान में एक पेड़ है जो 1000 साल पुराना है, कपूर का पेड़ है। तो ये जो कपूर सिंथेटिक कपूर आजकल जो बाजार में उपलब्ध है वो सिंथेटिक है, तारपीन का बना हुआ भी नहीं है। तारपीन के कपूर की भी हम बात करें तो वो कम से कम जहरीला नहीं होता, उसको खाने में प्रयोग नहीं कर सकते, उसको बाहरी प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन जो आजकल कपूर मिलता है वो तो जहर पैदा करता है। उसके जलाते हुए यदि कोई बैठ जाए तो जैसे मैंने बातचीत की थी कि उसके हमने पूजा की थाली में कपूर जलाया तो हमने 10 दिन कपूर जला दिया तो अपने घर के वातावरण को जहरीला कर दिया, और घर के वातावरण की हवा है वो एक्सचेंज नहीं हो पाती कि पूरे वातावरण की हवा दिन में खाली हो गई हो, नया आ गया हो, ऐसा कुछ होता नहीं है। और ये जो कपूर जलता है इससे जो गैसेस फैलती हैं इसको प्यूरिफाई करने का काम एयर फिल्टर भी नहीं कर पाता। एयर फिल्टर जो काम करता है वो डस्ट पार्टिकल को केवल रिफाइन करता है, छलनी में जैसे हम आटा छानते हैं तो छानने का काम करता है कि बड़े पार्टिकल को छलनी में रोक लिया। तो ये जो कपूर का जो नुकसान है वो नुकसान लंबा नुकसान होता है। ये जो लोकल ब्रांड का कपूर है वो जल चुका है, ये जल रहा है, ये पतंजलि का कपूर जल रहा है, आप फ्लेम भी देख सकते हैं, फ्लेम का तरीका भी देख सकते हैं, आपको ये फ्लेम भी अपने आप बता रही है कि किस प्रकार से है। ये एक लोकल ब्रांड था, ये जल चुका है, ये एक जल रहा है, और ये पतंजलि के ब्रांड का कपूर है। तो आजकल जो सिंथेटिक कपूर है उस सिंथेटिक कपूर में आंखों में जलन शुरू हो जाती है, घर में आपने शुरू किया तो आपने जहरीली हवा में सांस ली तो यकीन मानिए आपको सांस की गंभीर बीमारियां होने ही वाली हैं। आपको कुछ लेना है तो शुद्ध लीजिए, अगर शुद्ध नहीं मिलता तो कपूर मत जलाइए, आप देसी घी का दीपक जला दीजिए, सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, उससे ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन खाने पीने की पूजा की सामग्री में अशुद्ध चीजें मत जलाइए। अपने देश में कोई जांच करने की एजेंसी नहीं है, कोई FDA बनी हुई नहीं है, और कोई मिलावट का यदि केस पकड़ा भी जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, उसके ऊपर कुछ और कार्रवाई करके उसके ऊपर किया नहीं जाता। तो ये जो मेटेरियल सेफ्टी डाटा शीट है उसमें मैंने बताया कि जो अशुद्ध है, जो हेक्जामीन का कपूर है जो बाजार में मिलता है, उस हेक्जामीन के कपूर को हाथ लगाने के लिए भी दस्ताने पहनने की आवश्यकता है। तो आप समझ सकते हैं कि यदि उसको जलाया तो उसकी क्या हालत होगी। अभी हम टेस्टिंग करते हैं, कपूर जल चुका है, और ये जो अशुद्ध कपूर जला है इसके काले काले जो धुआं है वो सारा फैला हुआ है। ये जो कपूर है, ये जो पतंजलि वाला है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। पतंजलि वाले कपूर में कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ, सब जल चुका है, ये केवल फ्लेम के निशान है। ये हम दूसरा कपूर की बात करें जो एक बाजार के ब्रांड का हमने लिया था, इस कपूर में हम देखते हैं तो ये तो फ्लेम के निशान है। इस कपूर में जो बचा हुआ है वो आप देखेंगे कि ये जो पाउडर है ये बचा हुआ है। आप इंटरनेट के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, आप मेरी बात मत मानिए, आप इंटरनेट के ऊपर केवल ये लिखें कि नकली कपूर की पहचान कैसे करें, तो नकली कपूर जब जलता है तो वो शेष रह जाता है। ये जो तीसरे वाला है ये सब आप देख रहे हैं कि ये जो लोकल ब्रांड का जो कपूर है इसके ऊपर शेष बच गया है। तो ये हमने दो पहचान की, और इसमें जो पतंजलि का कपूर है वो बिल्कुल असली है। ये जो लोकल ब्रांड का कपूर है, ये जो टिक्की है 4 ग्राम की टिक्की है, ये केवल मैं बात करूं तो इसका जो मूल्य है वो मूल्य केवल 2 रुपए है। तो ये 500 रुपए किलो तो बिक रहा है,
इसमें रिटेलर का मार्जिन भी है, होलसेलर का मार्जिन है, मैन्युफैक्चरर का मार्जिन है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन सब जुड़ी हुई है। तो पतंजलि का कपूर मैं यदि देखता हूं तो 25 ग्राम का जो कपूर है वो 50 रुपए का है, 2000 रुपए किलो है। और मैं ये कहता हूं कि पतंजलि का कपूर सस्ता नहीं है, महंगा है, लेकिन कुछ चीजें महंगी हों तो भी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सस्ती हैं। इसका मतलब हमें पता है कि सस्ती हैं। ये नकली कपूर भी क्योंकि यहां पर जला है तो इसलिए आप देख रहे हैं कैसे इफेक्ट आता है। तो ये 2000 रुपए किलो है नकली चीज। यदि मिलावटी चीज जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, घी असली होगा वो आपको सस्ता नहीं मिल सकता, तेल असली होगा वो आपको सस्ता नहीं मिल सकता, दवा असली होगी वो आपको सस्ती नहीं मिल सकती, नकली दवा आपको सस्ती मिल सकती है। तो ये पतंजलि का कपूर महंगा जरूर है लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। कड़े मापदंडों पर इस संकल्प के साथ कि हमें अपने देशवासियों के साथ पूजा की सामग्री में कोई खिलवाड़ ना हो, ये उपलब्ध करवाया है। बाजार के आपने नकली कपूर को भी देखा है तो इस नकली कपूर को भी जलाकर हमने दिखाया है। तो आप जब भी कपूर लें असली ब्रांड का टेस्ट करके, अपने साथ टेस्ट करके लें। मैं कहता हूं कि आप पतंजलि के ऊपर भी भरोसा मत करिए, आप सैंपल के लिए खरीदिए, उसको प्रयोग कीजिए, उसको जलाकर, उसको टेस्ट करके, गूगल करके कि गूगल के ऊपर कपूर को कैसे टेस्ट करते हैं, वो करने के बाद जब आपका मन कहे उसके बाद आपको ये लेना है। ये जो कपूर है इसका और प्रभाव क्या है, जब हम पूजा करते हैं ना तो कपूर का एक गुण है जो हमारे ऋषियों ने पूर्वजों ने कहा है कि जब कपूर जलता है तो हमारे दोनों नथुने खुल जाते हैं, और जब कपूर जलता है तो जो हमारे जो मस्तिष्क की जो नर्व सिस्टम है उसको ये रीएक्टिवेट करता है और हमारे तनाव को, स्ट्रेस को दूर करता है। कपूर को क्यों जलाया जाता है, ताकि ध्यान करने में आसानी रहे, ताकि वातावरण शुद्ध हो जाए, ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए, जीवाणु विषाणु खत्म हो जाए। तो आप यदि कपूर जलाते हैं, पूजा में प्रयोग करते हैं तो उसको टेस्ट जरूर करें, और टेस्ट करने के बाद दो या तीन ब्रांड जो आपको मिले और उसके बाद जो आपको सही लगे उसी का आपको प्रयोग करना है। धन्यवाद। जय भारत। वंदे मातरम।